मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट टर्मिनल की एग्जिट पर एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड और बेहद अट्रैक्टिव लेडी खड़ी थी। इस औरत ने सिंपल सफेद शर्ट और काले रंग की ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई है। इसकी खूबसूरती का आलम ये था कि जो भी इसको देखता तो वो एक नजर मुड़ के फिर देखता, पर उससे भी ज्यादा अटेंशन उसके पास खड़े दो जुड़वा लड़के बटोर रहे थे। उम्र यही कोई 6 साल। वो दोनों इतने क्यूट और प्यारे थे कि उन पर हर किसी की नजर टिक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इनको बनाने में भगवान ने अपना खास ध्यान दिया हो। इन्हें जो भी देखता उन पर मोहित हो जाता, क्योंकि उनमें एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन था जो किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी था। उन्हें देखकर आसपास से गुजरने वाले लोग उनकी तारीफ में बोलते जा रहे थे, Oh my God, they are so handsome, so cute। औरतें अपनी पति से कह रही थी, कितने प्यारे हैं ना ये दोनों बच्चे, मुझे भी ऐसे ट्विंस चाहिए। 7 साल पहले काव्या जब इंडिया से भागी थी तो उसे यह नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। उसे बस इतना पता था उसको किसी भी तरह अपनी जान बचानी है, क्योंकि जिस रात उसने एक डेड बॉडी के पास अपने होश संभाले और एक मर्डर के इल्जाम से भागते हुए खुद को बचाया था, उसी रात की अगली सुबह उसे अपनी माँ की मरने की खबर मिली थी। अखबारों में काव्या की माँ के मरने का कारण तो सुसाइड बताया गया था, लेकिन काव्या को इस बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं था। इन 7 सालों में काव्या ने अकेले ही इन दो जुड़वा बच्चों को पाल कर पोस कर बड़ा किया था, और वह इतने प्यारे बच्चे थे कि जहाँ जाते थे तारीफें बटोरते थे। काव्या के बच्चे सिर्फ क्यूट ही नहीं थे बल्कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे, और जितने इंटेलिजेंट उतने ही बातूनी और बदमाश भी। इन 7 सालों में काव्या को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, फिर भी अपने बच्चों को देखकर उसको ये ख्याल आता कि क्या ये इंटेलिजेंस, ये बात करने का तरीका और ये आदतें इनके पापा की भी हैं। इनके पापा यानी वो असुर जो सिर्फ काव्या के बुरे सपनों में आता था। मम्मी, रेहान, देखो देखो, बॉलीवुड फिल्म का पोस्टर। आरव ने एक बड़े से पोस्टर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। कैब में बैठे हुए काव्या और रेहान आरव की बताई हुई डायरेक्शन में देखते हैं। मुंबई की हाईवे पर काव्या को इस बात का एहसास होता है कि वह फिर से अपनी सौतेली माँ, बहन और भाई के कितने करीब आ गई है, क्योंकि ये उसकी सौतेली बहन अनाया की अगली फिल्म का पोस्टर था। यह 7 साल काव्या ने अपनी जान बचाने और अपने बच्चों की परवरिश में लगाए, और वहीं दूसरी तरफ अनाया आज बॉलीवुड की सुपरस्टार्स में से एक है। न जाने अनाया ने यह पोजीशन पाने के लिए किस किस की चापलूसी की होगी, पता नहीं कितने ही कास्टिंग काउच का सहारा लिया होगा। स्कूल से कॉलेज तक काव्या ने अनाया को कभी मेहनत करके सही रास्ते से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। उसने अगर देखा तो ये कि कैसे अनाया दूसरों का फायदा उठाकर अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले भाई ने भी इन 7 सालों में उसके पिता के फैमिली बिजनेस को हड़पने के लिए अपनी जान लगा दी होगी। काव्या को अभी अभी सिर्फ अनाया की सक्सेस का पता लगा था, उसकी सौतेली माँ और भाई आज किस मुकाम पर हैं उसका पता तो काव्या को नहीं था, पर अंदाजा अच्छी तरह लगा सकती थी। काव्या ना चाहकर भी उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिन्होंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ की मौत में भी उसे उन्हीं लोगों का हाथ लगता है। पर काव्या के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था जिससे वो इस सच को साबित कर सके। इतने सालों बाद वह एक ऑक्शन अटेंड करने के लिए मुंबई लौटी है। काव्या के मुंबई आने की खबर सिर्फ उसके बचपन के दोस्त अर्जुन को है। काव्या, रेहान और आरव फाइनली अर्जुन के घर पहुंचते हैं। डोरबेल बजती है। एक लंबा और पतला सा आदमी दरवाजा खोलता है। कंधे तक घुंघराले लंबे बाल और आंखों पर मोटा सा चश्मा उसके इंटेलेक्चुअल होने की गवाही दे रहे थे। अर्जुन एक स्ट्रगलिंग राइटर था जो कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाने की जद्दोजहद में लगा था। काव्या ने उसे
अपने आने की खबर पहले से ही दे रखी थी। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने कहा, आइए आइए मिस काव्या, गरीब खाने में आपका स्वागत है। तभी उसकी नजर काव्या के साथ आए आरव और रेहान पर गई। उसने तुरंत दोनों को प्यार के साथ गोद में उठा लिया। तो ये है तुम्हारे करण अर्जुन, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तभी आरव क्यूटली बोला, अर्जुन तो आप हो ना, मैं आरव और ये रेहान। अर्जुन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए बोला, यस बेटा, आई एम योर अर्जुन अंकल, सो गुड टू सी यू। काव्या ने दोनों बच्चों को अर्जुन की गोद से उतारते हुए कहा, अच्छा चलो अब फ्रेश हो जाओ, फिर जी भर कर अर्जुन अंकल से बात करना, ओके? दोपहर होने को थी। रेहान और आरव को लिविंग रूम में खेलने के लिए छोड़ के काव्या अर्जुन की मदद करने किचन में जाती है। अर्जुन, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मुंबई में फिर से आने की हिम्मत मुझसे नहीं होती। Come on यार। ये कहकर अर्जुन चुप हो जाता है, पर ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ कहना चाहता है और इसे ना कह पाने की बेचैनी उसे रोके जा रही है। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो अर्जुन? काव्या ने अर्जुन से पूछा। थोड़ी देर चुप रहने और काव्या के दबाव डालने के बाद अर्जुन कहता है, 7 साल पहले तुम बिना बताए चली गई थी, क्या इस बार भी यही होगा? काव्या के पास इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी वह खुद को संभालती है और कहती है, पिछली बार बात कुछ अलग थी, हालात कुछ ऐसे बने जिसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती, पर तुम मुझे एक बात बताओ अर्जुन, क्या मेरे बताकर जाने से मेरा जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाता? इस बात पर अर्जुन के पास कुछ कहने को नहीं था और दोनों चुपचाप अपने में खोए हुए खाना बनाने में जुट गए। अचानक से दोनों के बीच का सन्नाटा टूटता है और पीछे से एक आवाज आती है, अर्जुन अंकल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन और काव्या पीछे देखते हैं तो नन्हा आरव अपना सवाल दोहराता है, बताइए ना अर्जुन अंकल। व्हाट? आरव? काव्या आरव के इस सवाल पर चौंकती है और आरव को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहती है, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा। क्यों, इसमें गलत क्या है मॉम? बड़ा हो या बच्चा, गर्लफ्रेंड तो सबकी हो सकती है ना। ये दलील थी नन्हे रेहान की। काव्या गहरी सांस लेकर बैठ जाती है। आई एम सॉरी अर्जुन, एक होता तो मैं थोड़ा हैंडल कर लेती, लेकिन ये दोनों तो मेरे सर पर नाचते हैं। कहते हुए काव्या दोनों को प्यार से पकड़ लेती है। अर्जुन तीनों को साथ में देखकर हंस पड़ता है और अर्जुन को हंसता देखकर काव्या भी हंस पड़ती है। दोनों को हंसता देखकर रेहान और आरव बड़े पचलंड होके एक दूसरे को देखते हैं। आप लोग हंस क्यों रहे हो? ये सीरियस मैटर है, हम मम्मी के लिए पापा ढूंढ रहे हैं, आरव बोलता है। ओ स्टूपिड, मम्मी के लिए नहीं, अपने लिए, रेहान आरव को डांटता है। आरव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दांतों तले जीभ दबाता है और माथे पर अपना हाथ रख देता है। ओ सॉरी, मेरा बोलने का मतलब वही था, आरव ने कहा। काव्या दोनों के कान पकड़ती है और उन्हें किचन से बाहर ले जाती है। अर्जुन मैं आती हूँ, इन दोनों बदमाशों को ठीक करके। कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो तुम दोनों, चलो अभी बताती हूँ। और हंसते हंसते तीनों किचन से बाहर निकल जाते हैं। शाम के करीब 5 बजे थे। काव्या चलती हुई कार की बैक सीट पर गहरी सोच में डूबी हुई बैठी थी। दरअसल वो उस ऑक्शन के बारे में सोच रही थी जिसकी खबर उसे सोशल मीडिया से लगी थी। उसी वक्त काव्या ने सोच लिया था कि वो मुंबई जाएगी। जिस मकसद के लिए काव्या मुंबई वापस आई है, उसका पहला स्टॉप है ये ऑक्शन। आज काव्या को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। काव्या पूरी तरह से हाई क्लास आउटफिट और खूबसूरत ज्वेलरी से सजी हुई थी। उसने एक आलीशान कार और वो महंगी ड्रेस किराए पर ली थी। उस लुक में वो किसी भी हाई क्लास सोशलाइट को मात दे सकती थी। एलिगेंस तो उसमें खानदानी था और बाकी रईसी की कसर उसके महंगे किराए के कपड़े पूरी कर रहे थे। कार मुंबई के आलिशान 5-स्टार होटल रीगल पहुंचती है। रीगल हाउस पूरी तरह से बड़ी बड़ी महंगी लग्जूरियस गाड़ियों से भरा हुआ है। ये जगह आज बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों, कलाकारों और रिपोर्टर से भरी हुई है। यहाँ आज की शाम का माहौल हमेशा की तरह लग्जूरियस है। काव्या आराम से बड़ी ही स्टाइल के साथ कार से निकलती है
और रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है, मगर सामने ही उसे मीडिया रिपोर्टर्स को बाइक देते हुए अनाया नजर आ जाती है। अनाया की नजर उस पर पड़े इससे पहले काव्या पलट जाती है और वो देखती है कि सामने से एक रिपोर्टर कैमरा लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो फंस चुकी थी, अगर अनाया उसे देख लेती तो उसका ऑक्शन तक पहुंचना नामुमकिन था और मीडिया वाले उसे पहचान लेते तो शायद और भी बड़ा तमाशा होता। तभी वो एक होटल स्टाफ को देखती है, उससे रेस्ट रूम का रास्ता पूछती है और तेज कदमों से रेस्ट रूम के अंदर दाखिल हो जाती है। करीब आधे घंटे बाद काव्या वहां से बाहर आती है। तब तक लॉबी की चहल पहल शांत हो चुकी है क्योंकि ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। वो रिसेप्शन पर पहुंचती है, मैनेजर काव्या का वेलकम करता है और कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम। काव्या जानबूझकर हड़बड़ाहट में कहती है, ऑक्शन का वेन्यू कहाँ है, आई एम ऑलरेडी लेट। मैनेजर भी कहता है, यस मैम ऑक्शन तो शुरू हो चुका है, प्लीज टेल मी योर नेम, मैं गेस्ट लिस्ट में आपका नाम चेक कर लेता हूँ। काव्या अपना अगला पैंतरा चलती है जिसके कामयाब होने की उसे पक्की उम्मीद थी। वो जानती थी उस लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं। वो नाम बताने की जगह अपना आई कार्ड काउंटर पर रख देती है जिस पर लिखा है काव्या सरीन, डॉटर ऑफ उदयवीर सरीन। मैनेजर कार्ड देखता है और तुरंत पूछ पड़ता है, काव्या सरीन, आप क्या फेमस सरीन इंडस्ट्रीज के मालिक? काव्या मैनेजर की बात काटते हुए कहती है, जी हाँ मैं उदयवीर सरीन की बेटी हूँ, अब भी आप मेरा कीमती समय बर्बाद करेंगे, आई एम गेटिंग लेट। काव्या थोड़े से नाराजगी भरे लहजे में कहती है। मैनेजर तुरंत ही एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैम वेन्यू उस तरफ है, और बगल में खड़े एक स्टाफ से काव्या को वेन्यू तक छोड़कर आने को कहता है। यहाँ तक काव्या अपनी आधी जंग जीत चुकी थी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑक्शन वेन्यू में दाखिल होती है। काव्या यहाँ किसी बेशकीमती चीज के लिए आई है, ऐसी चीज जो ना सिर्फ कीमती है बल्कि काव्या के लिए उसका दिल से इमोशनल नाता है। वो चीज है काव्या की माँ का खानदानी हार जो आज इस ऑक्शन में नीलामी के लिए लाया गया है, और यही खबर पढ़कर काव्या यहाँ तक पहुंची है ताकि वो अपनी माँ के हार को, उसकी निशानी को अपने पास रख सके जिससे उसकी माँ की याद उसके साथ हमेशा जुड़ी रहे। सच कहें तो काव्या यहाँ किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के हार के लिए आई है जो उसके लिए अनमोल था। शायद मैनेजर को भी सरीन घराने के इस हार के बारे में पता था, इसलिए उसने उस खानदान की बेटी को बिना लिस्ट में नाम चेक किए भीतर आने दिया। ऑक्शन में चीजों की बोली लगाई जा रही थी, कुछ कीमती और कुछ एंटीक चीजों की बोली लगाने और बिक जाने के बाद उस चीज की बारी आती है जिसका काव्या को बेसब्री से इंतजार था। ऑक्शनर अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है एक ऐसे एंटीक पीस की जिसे आप में से हर कोई अपना बनाना चाहेगा, तो और ज्यादा माहौल ना बनाते हुए आपके सामने पेश है हीरों से जड़ा ये बेशकीमती हार। दिस इज अ क्लासिक पीस और इसकी स्टार्टिंग बिड है। ऑक्शनर की बात को काटते हुए काव्या बोल पड़ती है, 1 करोड़। सब काव्या की तरफ देखते हैं। ऑक्शनर कहता है, वाह हीरे की परख जौहरी को होती है, उसी तरह हार की वैल्यू लेडीज से बेहतर कौन समझ सकता है। तो ये शानदार शुरुआत मैडम की तरफ से, और 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। इस बोली के साथ ही कमरे की दूसरी ओर से आवाज आती है, 1.5 करोड़। यह बोली लगाने वाली कोई और नहीं अनाया राय थी, उसने काव्या को देख लिया था। ऑक्शनर कहता है, बहुत बढ़िया 1.5 करोड़ 1। ये बोली अनाया की है यह जानते हुए काव्या इसके जवाब में 2 करोड़ डिक्लेयर करती है। अनाया का मैनेजर उसको झुक के एडवाइस देता है, मैम इस हार की कीमत 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा है, हमें इसके आगे बिड नहीं करना चाहिए। ऑक्शनर की आवाज आती है, बेहतरीन 2 करोड़ 2 करोड़ 1 2 करोड़ 2। अनाया अपने मैनेजर की बात को अनसुना करते हुए कहती है, 5 करोड़। काव्या अब सीधे 10 करोड़ की बोली लगाती है। ऑक्शन रूम में सन्नाटा छा जाता है। अनाया के मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं। मैम प्लीज ये पैसा वेस्ट होगा, इट्स नॉट बिड एनी मोर। ऑक्शनर कहता है,
क्या बात है, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 20 करोड़। अनाया बिना पलक छपके 20 करोड़ की बोली लगा देती है और इसी बोली के साथ यह हार अनाया का होता है। अनाया बड़े फक्र से काव्या को देखती है। काव्या मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ बढ़ती है। कंग्रेचुलेशंस, 20 करोड़ बर्बाद करने के लिए। काव्या की हंसी अनाया के पास आकर और बढ़ जाती है। 7 साल बाद पहली बार काव्या का सामना अनाया से होता है, वो भी इस खेल में जो बड़ी ही होशियारी से काव्या ने खेला था। अब जब आपके पिताजी आपसे इस फजूल खर्ची का जवाब मांगेंगे, तब आप क्या कहेंगी? काव्या के यह बोलने पर अनाया को समझ आता है कि काव्या ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए ये सब किया था। ओ, तो इतने सालों बाद तुम इस हार के लिए नहीं बल्कि फैमिली में झगड़े करवाने इंडिया आई हो? नहीं, अपने माँ के कातिलों को बर्बाद करने। यह बोलते हुए काव्या गुस्से में आ जाती है, पर अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताना मारते हुए कहती है, कातिल, सुसाइड किया था उसने, बिना तुम्हें कुछ दिए कुछ बताए बिल्डिंग से कूद गई और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिया। अनाया की यह बात सुनते ही काव्या गुस्से में अपना आपा खो बैठी। वो गुस्से में अपना हाथ उठाती है, पर तभी उसकी कलाई को एक सख्त हाथ रोक देता है। Let go of me, you! इसके आगे काव्या और कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि अब उसकी आंखें उन आंखों से टकराई थी जिस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा था। अचानक काव्या उस चेहरे को देखकर सांस लेना भी भूल जाती है। यह चेहरा उसके बेटों के चेहरे से हूबहू मिल रहा था। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। उसके सामने खड़े उस चेहरे का हर एक फेशियल फीचर उसके बेटों जैसा था। क्या ये वही था, उसके भयानक सपनों का डेविल? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। काव्या एक टक बिना कुछ बोले इस आदमी के चेहरे को देखती जा रही थी। काव्या की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें इस आदमी के चेहरे को स्कैन कर रही हैं। अनाया की सारी बदतमीजियां इस वक्त काव्या के लिए सेकेंडरी हो चुकी थी। वो बस अपने आप से भीतर ही भीतर सवाल किए जा रही थी कि कौन है ये आदमी, और काव्या को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी का चेहरा उसके बच्चों से मिलता जुलता है। यहाँ अनाया के चेहरे पर एक अजीब तरह की खुशी थी। वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती से बच गई थी, वो भी उस आदमी की बदौलत जो उसकी लाइफ में एक अहम जगह रखता है। अनाया सिर्फ उससे प्रोफेशनली ही जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि पर्सनली भी दोनों रिलेशनशिप में थे और जल्द ही उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। यहाँ उस आदमी की आंखें काव्या के दिल में धंसती जा रही थी। उसके हाथ का टच भी उसे लगातार अनकंफर्टेबल किए जा रहा था और वो अपना हाथ छुड़वाने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ग्रिप ढीली ही नहीं पड़ रही थी। इस तरह की वायलेंट घटना होते देखकर ऑक्शन के मैनेजमेंट के लोग बीच में आ जाते हैं और मामले को कूल करने की बात कहते हैं। MC तुरंत स्टेज से भागकर नीचे आ जाता है, लेकिन वो हेल्पलेस सा फील कर रहा है और कहता है, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, ऑल गुड ऑल ओके, प्लीज अपना सहयोग दें ताकि ऑक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। आदमी काव्या का हाथ छोड़ता है और अनाया के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कम डार्लिंग। दोनों हाथों में हाथ डालकर वापस अपनी सीट की तरफ चल पड़ते हैं। जाते हुए अनाया गुस्से में पलटकर काव्या को देखती है, लेकिन काव्या की नजर उस आदमी पर टिकी है। काव्या शॉक में तुरंत वहां से निकल जाती है। वो अर्जुन के घर पहुंचती है जहां वो और उसके बच्चे रुके हुए हैं। काव्या के दिमाग में लगातार वो चेहरा चल रहा है। अभी कुछ देर पहले जिस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा था, काव्या को ऐसा क्यों लगा जैसे वो उस टच को महसूस कर सकती है? ऐसी फीलिंग जैसे कि पहले से वो उस आदमी को जानती हो। वो बेतहाशा भाग कर बाथरूम में जाती है और वॉश बेसिन के नल को चालू करके लगातार बार बार साबुन से अपना हाथ धोई जा रही है, लेकिन कई बार साफ करने के बाद भी
उस आदमी के टच की फीलिंग काव्या के हाथ से नहीं जा रही। बार बार उस आदमी के बारे में सोचते हुए उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे में अचानक काव्या के दरवाजे पर नॉक होता है। काव्या चौंक कर पलटती है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। खाना खाओगी या गरम गरम कॉफी हो जाए? अर्जुन को दरवाजे पर देख कर काव्या रिलैक्स होती है, जैसे उसे किसी और इंसान के होने की उम्मीद थी, लेकिन वो अर्जुन था। काव्या खुद को संभालते हुए अपना सिर पकड़ते और बालों को पीछे करते हुए कहती है, कॉफी? यार थैंक्स फॉर आस्किंग, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कॉफी की। थैंक्स तो कॉफी पीने के बाद बोलना, चेंज करके आइए मैडम, आपकी कॉफी आपको रेडी मिलेगी। अपनी बात बोलते हुए अर्जुन किचन की तरफ निकल जाता है और काव्या अपने रूम की तरफ। रात हो चुकी थी। आरव और रेहान को अर्जुन सुला चुका था। काव्या रूम में जाकर उन्हें देखती है, उनके माथे पर किस करती है और कपड़े चेंज करके बाहर लिविंग रूम में आती है। अर्जुन बड़ी देर से नोटिस कर रहा है कि काव्या हाथ में कॉफी लिए सोच में डूबी हुई है। आधा घंटा हो गया वो गुमसुम बैठी हुई है। इतनी देर बाद जब अर्जुन से नहीं रहा गया तो अर्जुन ने माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, काव्या? अपना नाम सुनकर काव्या जैसे किसी सपने से चौंकी और बोली, हाँ बोलो। अर्जुन अपनी बात आगे बढ़ाता है, क्या बात है काव्या, कौन सी टेंशन तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, बताओ मुझे, यू कैन शेयर विद मी, दोस्त हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, बिना अर्जुन की तरफ देखे बेमन से बोलते हुए काव्या ने उसकी बात टाल दी। काव्या का इतना कोल्ड रिप्लाई अर्जुन को और परेशान कर देता है। अर्जुन कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। सुनो काव्या, मुझे लगता है तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं मानती। काव्या को फील होता है कि शायद उसने अर्जुन को हर्ट कर दिया। वो कहती है, नो अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इस शहर में एक तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हारे ही भरोसे तुम्हें वापस लौट कर आई हूँ, प्लीज कुछ भी अदरवाइज मत सोचो। अर्जुन काव्या की बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बोलता है, तो फिर क्या वजह है कि तुम मुझसे सब कुछ छिपा रही हो? यहाँ अनाया तेजी से दौड़ते हुए अपनी माँ के रूम में दाखिल होती है। उसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए उसकी माँ अशुला भी घबरा जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, फिल्म सिनेमा अवार्ड में तुम्हें नॉमिनेशन नहीं मिला क्या? मॉम, मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए, अनाया ने फूली हुई सांस में ही कहा। अरे लेकिन हुआ क्या, जल्दी बताओ, हार्ट अटैक आने के बाद बताओगी क्या? मॉम, काव्या वापस आ गई है। ये सुनकर अशुला के माथे पर पसीना आ जाता है, जैसे वो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रही। काव्या कहाँ, कैसे? मॉम, आज वो मुझे ऑक्शन वेन्यू पे मिली थी, अपनी माँ का हार खरीदने आई थी और मुझे बेवकूफ बना गई, लेकिन उसके कपड़े और लुक से तो लग रहा था जैसे वो पैसों में खेल रही हो, उसने सबके सामने मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। मॉम, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, पता नहीं वो क्या करेगी। दोनों माँ बेटी के माथे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सोचते हुए अशुला ने कहा, अगर वो 7 साल बाद वापस आई है तो जरूर किसी मकसद से आई होगी, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ रुकी है और इन 7 सालों में उसकी जिंदगी में क्या हुआ। तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ हो गया इन 7 सालों में काव्या, आई नो यू, तुम एक ब्रेव वुमन हो, तुम सब कर लोगी, बट यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। तुम्हें उदास देखता हूँ तो बहुत बुरा फील होता है, मैं जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तुम अकेली काफी हो, मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तो कभी भी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज हिचकिचाना मत, एक बार जरूर बोलना मुझसे। अर्जुन की बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू निकल आते हैं। शुक्रिया, अपने भर आए गले से काव्या सिर्फ इतना ही कह पाती है। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि पीछे से आरव की आवाज आती है, मम्मा। काव्या पलटती है तो देखती है आरव रो रहा है और रेहान उसके पीछे है। काव्या झट से जाकर रोते हुए आरव को सीने से लगा लेती है, पूछती है, क्या हुआ इसको रेहान? रेहान बताता है कि मम्मा, इसको नींद नहीं आ रही थी, कोई सपना देखकर चौंक के उठा, मुझे चुप नहीं हो रहा था तो मैं इसे आपके पास ले आया। काव्या आरव को दुलाती है,
नहीं मेरे बच्चा, कुछ नहीं, डरो मत, मम्मा है ना आपके पास, फिर बैठो, चुप हो जाओ, रिलैक्स बेटा, चलो मैं आपको सुलाती हूँ। काव्या अर्जुन से कहती है कि वो बच्चों को सुलाकर वापस आ रही है और आरव को गोद में लेकर अपने रूम में जाती है। रेहान भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। काव्या जैसे ही आरव को बिस्तर पर सुलाती है, आरव अपने नन्हे हाथों से काव्या का गला पकड़े रहता है। काव्या उसे प्यार से सो जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जिद करता है कि वो आज मम्मी के साथ ही सोएगा। रेहान कहता है, मम्मा आज आप आरव को अपने साथ सुला लो, मैं अकेला सो जाऊंगा और मुझे तो डर भी नहीं लगता। मैंने अपने ड्रीम्स में अपने सोल्जर्स रखे हैं, वो सब डीमंस को मार देते हैं। आप आरव को अपने साथ सुला लो, मेरी टेंशन मत तो। रेहान की क्यूट सी बात सुनकर काव्या को रेहान पर प्यार आता है और दुलार में उसके सर पर हाथ फेरते हुए माथे को किस करती है। बेटा आप दोनों ब्रेव हो और मुझे पता है आप दोनों अकेले सो सकते हो, आप सो जाओ, मम्मा को अर्जुन अंकल से एक जरूरी बात करनी है, उसके बाद मम्मा यहीं आकर आपके पास सोएगी, ओके। दोनों बच्चे हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और अपनी अपनी चद्दर ओढ़ कर कहते हैं गुड नाइट। काव्या गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। रेहान आरव से कहता है, आरव मम्मी को अर्जुन अंकल से क्या इम्पोर्टेंट बात करनी होगी? I know, bro. आरव ने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कहा, तो पता करते हैं ना, चल। रेहान ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और दोनों बिस्तर से उठ गए। अर्जुन अभी भी अपनी बची हुई कॉफी खत्म कर रहा था। काव्या आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है, बिना किसी भूमिका के अर्जुन से कहती है, अर्जुन मुझे आरव और रोहन का स्कूल में एडमिशन करवाना है, हो जाएगा ना? अर्जुन ने कहा, वो तो जाएगा काव्या, लेकिन वहाँ तुम्हें एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। काव्या सोच में पड़ जाती है कि अर्जुन किस सवाल की बात कर रहा है। अर्जुन कहता है, देखो काव्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम पर कभी दबाव डालकर तुम्हारी पीछे की जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। जितना तुमने कहा मैंने मान लिया। तुमने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें किसी से प्यार हुआ, तुम दोनों महीना भर साथ रहे और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया। बाद में तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें सिंगल मदर बनने का रास्ता चुना। इस पुरुषवादी समाज में तुमने सिर्फ फैसला नहीं लिया, चैलेंज लिया है काव्या, और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानती हो। काव्या अब भी अर्जुन की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है, ये दुनिया एक पैटर्न पर चलती है, लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक सोशल सिस्टम होता है जिसके दायरे में रहते हैं लोग। मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा काव्या, मैं बस तुम्हें इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने कभी उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए उसे ढूंढने की कोशिश करूं। अब शायद वो आदमी बदल चुका हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो और अब वो तुम्हें और दोनों बच्चों को अपनाना चाहे। काव्या ने जवाब दिया, नहीं कभी नहीं। दरअसल जितनी बार अर्जुन ने उस आदमी का जिक्र किया, हर बार काव्या के दिमाग में एक ही चेहरा आ रहा था और वो था उस आदमी का जिसे काव्या ने आज ऑक्शन में देखा था। उसके चेहरे को याद करके काव्या गुस्से में आ गई थी। उसने कहा, कभी नहीं, मुझे उस आदमी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए केपेबल हूँ। उस आदमी से मैं नफरत करती हूँ और ये नफरत कभी भी हमदर्दी में नहीं बदल सकती। उसके लिए अब मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। He is no more for us. लेकिन काव्या, हम जिस भी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए जाएंगे, वो हमसे इन बच्चों के बाप का नाम जरूर पूछेंगे, तब क्या जवाब दोगी? अर्जुन की ये बात सुनकर जैसे काव्या के सामने पूरी दुनिया और दुनियादारी एक बड़े और नए चैलेंज की तरह खड़ी हो जाती है। अर्जुन आगे कहता है कि बात सिर्फ एडमिशन तक ही नहीं है, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे और दूसरे बच्चों से इनका आमना सामना होगा, कई तरह के फंक्शन होंगे, कई एक्टिविटीज होंगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होंगी और हर जगह एक बाप की जरूरत होगी। तुम कहाँ कहाँ किस किस को जवाब देती फिरोगी? ये सवाल जवाब कहीं इन बच्चों की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। ये सारी बातें सुनकर काव्या गहरी सोच में डूब जाती है और बच्चों के भविष्य की चिंता
एक माँ को भयानक परेशान करने लगती है। काव्या सोचती है कि अर्जुन की कही सारी बातों से झलक रही सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकती। काव्या को इस सिचुएशन का सामना आज नहीं तो कल करना ही था, और अब कोई जवाब नहीं था उसके पास अर्जुन की बातों का। अर्जुन काव्या के चेहरे को देखकर उसकी टेंशन का अंदाजा लगा सकता था। पास आकर बगल में बैठते हुए काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए अर्जुन ने कहा, काव्या, जिंदगी में एक बार बुरा होने का ये मतलब नहीं है कि कभी अच्छा होगा ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के जीवन में आते हैं, सो प्लीज मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को यूं ही मत गुजर जाने दो पुरानी बातों को सोचते हुए। जो हुआ है पास्ट में उसे भूलने की कोशिश करो और एक फ्रेश स्टार्ट दो अपनी लाइफ को। इन बच्चों को एक पिता की जरूरत है, इनसे इनका हक मत छीनो। काव्या सीधे अर्जुन से पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन, साफ साफ कहो। अर्जुन सीधे अपनी बात काव्या के सामने रखता है बिना हिचकिचाए। मुझे लगता है काव्या, तुम्हें दूसरी शादी को कंसिडर करना चाहिए, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी लाइफ अब सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, दैट्स इट। ऐसा कहकर काव्या उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए चल पड़ती है। थैंक्स फॉर द कॉफी अर्जुन, गुड नाइट। अर्जुन समझ जाता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, शायद उसे ये सब बातें काव्या को नहीं बोलनी चाहिए थी। अर्जुन काव्या से माफी मांगते हुए कहता है कि I'm sorry काव्या, अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा तो मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी दुखी करना नहीं था। काव्या हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है अर्जुन, इट्स ओके। अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। अर्जुन सीढ़ियों की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आरव और रेहान, जो अब तक छिपकर काव्या और अर्जुन की बातें सुन रहे थे, तेजी से अपने कमरे की तरफ भागते हैं और झट से अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाते हैं। काव्या रूम में दोनों बच्चों को सोया देखती है और खुद भी आकर बिस्तर पर लेट जाती है। धीरे धीरे काव्या की आंख लग जाती है। आधी रात को काव्या अपने बेड पर गहरी नींद में लेटी हुई है कि अचानक कोई हाथ उसकी कमर को कसना शुरू करता है। काव्या हटाने की कोशिश करती है लेकिन हाथ की पकड़ उसे और जोर से कसती जा रही है। हाथ धीरे धीरे काव्या के सीने की तरफ बढ़ता है। काव्या पूरी ताकत से खुद को झटकती है मगर खुद को उस हाथ की जकड़न से बचा नहीं पाती। गहरे अंधेरे में धीरे धीरे काव्या उस आदमी की शक्ल को पहचान रही है। वो शक्ल उसी आदमी की शक्ल थी जिसने आज ऑक्शन में उसका हाथ पकड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। काव्या उस हाथ की पकड़ से आजाद नहीं हो पा रही। छोड़ो मुझे, कहती है और उठकर बैठ जाती है। काव्या पसीना पसीना है और उसे एहसास होता है कि वो एक भयानक सपना देख रही थी, लेकिन अब तक वो जिस डेविल को अपने सपने में देखती आई है, आज उसको एक चेहरा भी मिल गया था। काव्या का सर दर्द से फट रहा था। वो उठकर दवा लेती है, बच्चों की तरफ देखती है कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। वो फिर से अपने बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। सुबह का वक्त है। अर्जुन की आवाज सुनते ही दोनों बच्चे जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रेहान पहले पहुंचकर चेयर पर बैठता है और दोनों हाथ उठाकर जोश से कहता है, ये आई एम विनर विनर विनर। और आरव की जूतों की लेस उसके पैरों में फंस जाती है। आरव जैसे ही जमीन पर लड़खड़ाता है, काव्या तुरंत भाग के आती है और संभालती है। आरव बेटा आराम से, ऐसे घर के अंदर दौड़ोगे तो गिर जाओगे, चोट लग सकती है आपको। और आरव की जूतों की तरफ देखते हुए हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आपको इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए बेटा, ये देखो आपके जूतों की लेस खुली हुई है। आरव कुछ नहीं बोलता, सिर्फ धीरे से अपना सर झुका लेता है, काव्या की तरफ देखता भी नहीं। काव्या लेस बांधते हुए दोनों को समझाती है, कहती है कि आज हम लोग एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आज पहला दिन है इसलिए बहुत अच्छे से सबको रिस्पेक्ट देते हुए बात करना। अगर वहाँ प्रिंसिपल सर कोई सवाल पूछते हैं तो सोच समझकर उसका सही जवाब देने की कोशिश करना,
रेहान टेबल से ही कहता है, आप टेंशन मत लो मम्मी, हम दोनों जीनियस हैं, हमारे एडमिशन तो यूं हो जाएगा। कहते हुए अपने नन्हे से हाथों से चुटकी बजाता है। चुटकी नहीं बजती तो दोबारा कोशिश करता है। रेहान की एक क्यूट सी हरकत देखकर काव्या स्माइल करती है और अर्जुन जोर से चुटकी बजाता है। रेहान खुश हो जाता है और अर्जुन से पूछता है कि कैसे किया आपने, कैसे किया, टेल मी ना। अर्जुन कहता है, ओके बताऊंगा भाई, लेकिन पहले हम नाश्ता करेंगे उसके बाद। और काव्या को बुलाते हुए कहता है कि कम ऑन काव्या, लेट्स स्टार्ट द डे टुगेदर। काव्या हाँ कहती है और टेबल की तरफ जाने को होती है। अचानक से देखती है कि आरव को जहाँ बिठाया था वहीं बैठा है, उसी तरह अपने सर को अपने सीने में धसाए हुए। काव्या सोच में पड़ जाती है कि अचानक क्या बात हो गई जो आरव इतना सैड हो गया। काव्या आरव के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को, उदास क्यों है। काव्या के कई बार पूछने के बाद अचानक से आरव सिर नीचे झुकाए हुए बोल पड़ता है, मम्मा आपने अभी कहा ना प्रिंसिपल जो पूछेंगे उसका आंसर देना है। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि आरव क्या कहना चाहता है। आरव ने कहा, अगर उन्होंने डैडी का नाम पूछा तो। आरव के इस सवाल में काव्या के होश उड़ जाते हैं। काव्या ने कभी भी अपने बच्चों से इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। बहरहाल काव्या को ये अंदाजा जरूर था कि आज नहीं तो कल ये सवाल उसके बच्चे सामने रखेंगे ही, लेकिन अभी शायद काव्या इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। आरव की बात पे अर्जुन भी पूरी तरह से शॉक्ड जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। सब चुप खड़े होते हैं, किसी के पास आरव के इस मासूम सवाल का जवाब नहीं था। काव्या भीतर ही भीतर एक अजीब तरह की एम्बैरेसमेंट महसूस करती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजना शुरू होती है। अर्जुन अपने हाथ साफ करते हुए अपना फोन उठाता है। जी जी हाँ, आफ्टरनून में नहीं शिफ्ट हो सकती, मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए निकलना है। अर्जुन फोन हाथ में लिए काव्या की तरफ देखता है और ओके मैं पहुंचता हूँ कहकर फोन रखता है। अर्जुन काव्या को बताता है कि आज फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हीरोइन के साथ उसकी मीटिंग है। वो खुद को फिल्म डायरेक्टर साबित करने के लिए इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों से लगा हुआ है। उसने कई कहानियां और स्क्रिप्ट कई स्टार्स और प्रोड्यूसर्स को सुनाई, जिसका नतीजा आज इसे मिला है। आज अर्जुन को इंडस्ट्री की एक बड़ी हीरोइन को कहानी सुनाने का मौका मिला है। प्रोड्यूसर्स का मानना है कि अगर अर्जुन की कहानी सुनकर इस बड़ी हीरोइन ने हाँ कह दी तो वो तुरंत ही इस फिल्म पर काम शुरू कर देंगे। अर्जुन काव्या से कहता है, सॉरी काव्या, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं वहां से फ्री होकर तुम्हें स्कूल में ज्वाइन करता हूँ। काव्या कहती है, इट्स ओके अर्जुन, आई कैन मैनेज, वैसे काव्या हम कल भी चल सकते हैं स्कूल। अर्जुन ने प्रॉब्लम का सलूशन दिया। काव्या अर्जुन को दिलासा देते हुए दरवाजे की तरफ चल देती है, इस फैसले के साथ कि आज कुछ भी हो अपने बच्चों का एडमिशन करवा के ही लौटेगी। काव्या के दिमाग में सिर्फ आरव की कही बातें ही चल रही हैं। वो उसी बारे में सोच रही है। उसी सोच में डूबी हुई अपना पर्स अपने कंधे पर चढ़ाते हुए आरव को गोद में उठाती है और रेहान माँ के पीछे पीछे चल देता है। कार मुंबई की व्यस्त सड़कों से गुजरती हुई चली जा रही है। आरव और रेहान बैक सीट पर बैठे हैं। बाहर ट्रैफिक की आवाजें और शहर के चिंघाड़ने वाले शोर से कहीं ज्यादा उथल पुथल काव्या के अंदर चल रही थी। क्या होगा आज एडमिशन के वक्त? क्या वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल में दाखिल दिलवा पाएगी? हजारों बातें काव्या के मन में आ रही थी कि अचानक एक बड़ी सी लग्जरी कार काव्या की गाड़ी के सामने आ जाती है और दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। काव्या जल्दी से ब्रेक लगाती है। काव्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और डर से उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। काव्या तुरंत पीछे पलटकर बच्चों से पूछती है कि तुम दोनों ठीक हो ना? बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं। काव्या कुछ सेकंड के लिए रिलीफ फील करती है कि सब सेफ है और एक भयंकर एक्सीडेंट जो हो सकता था बच गया। वो कार से नीचे उतरती है, हालांकि टक्कर धीरे थी, लेकिन काव्या की गाड़ी की हेडलाइट ब्रेक हो जाती है।
ये देखकर काव्या को सामने वाली कार पर गुस्सा आता है और वो सामने वाली कार की तरफ जाती है। काव्या देखती है कि एक यंग लड़की कार के सामने खड़ी होकर बार बार आई लव यू करण, आई लव यू, प्लीज मैरी मी करण, प्लीज बोले जा रही है। कार के अंदर फ्रंट सीट पर बैठा हुआ बॉडीगार्ड अपनी गन के साथ बाहर निकलता है और उस लड़की को गाड़ी से दूर करता है। सड़क पर खड़े कुछ लोग लड़की का ऐसा दीवानगी भरा तमाशा देखकर हंस रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी करण वालिया इतना हैंडसम और अमीर है कि कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए ऐसे ही दीवानगी दिखा सकती है, लड़कियां पागल हैं इसके लिए। बॉडीगार्ड सबको हटाता है और कार जाने को होती है, तभी काव्या कार के पास पहुँच कर कहती है, आपके गलत ड्राइविंग करने की वजह से मेरी कार का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी होगी। करण अपनी कार का शीशा खुलता है। काव्या उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, ये तो वही आदमी है जिसने कल ऑक्शन में उसका हाथ पकड़ा था। अच्छा तो इसका नाम करण वालिया है, काव्या मन ही मन सोचती है। करण भी इसे पहचान लेता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। गलती आपकी थी, अगर ठीक से ड्राइविंग नहीं आती तो सीख लो, करण ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। काव्या को अपनी इस इंसल्ट पर बहुत गुस्सा आया। अगर खुद की कार होती तो छोड़ भी देती, लेकिन कार अर्जुन की थी। दूर से दोनों बच्चे भी ये सब देख रहे थे। करण को देखने के बाद रेहान आरव से कहता है, आरव तुम्हें नहीं लगता कि इस आदमी को कहीं देखा है? आरव कहता है, वाओ कितना हैंडसम है वो आदमी। रेहान उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, हाँ हैंडसम तो है लेकिन अपन दोनों से कम। यहाँ काव्या गुस्से में थी, उसने फिर कहा, नुकसान मेरी कार का हुआ है और ये आपको चुकाना होगा। करण ने ज्यादा बहस ना करते हुए कहा, मेरे ख्याल से फसाद करने की आपकी आदत है, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, ऑफिस फोन करके पैसे ले जाना। काव्या को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ बोलती इससे पहले करण ने अपनी गाड़ी का ग्लास ऊपर किया और कार आगे बढ़ गई। काव्या के हाथ में कार्ड था और चेहरे पर गुस्सा। कितना घमंडी इंसान है, पता नहीं क्या समझता है खुद को, बदतमीज। बड़बड़ाते हुए वो अपनी कार में बैठ गई और स्कूल के लिए निकल गई। काव्या प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने बैठी हुई है और दोनों बच्चे उसके दोनों तरफ। काव्या अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कहती है। प्रिंसिपल आरव को देखता है जो बहुत देर से खिड़की पर बैठे कौए को देखे जा रहा था। बेटा क्या सोच रहे हो, प्रिंसिपल ने पूछा। आरव कहता है, सर मैं सोच रहा हूँ कि जब क्रो काओ काओ बोलता है तो काओ क्रो क्रो क्यों नहीं बोलती। प्रिंसिपल उसके जवाब पर हंस पड़ता है और कहता है, वेरी स्मार्ट। बच्चों के साथ कुछ सवाल जवाब करने के बाद प्रिंसिपल एडमिशन फॉर्म काव्या की तरफ बढ़ाते हुए उसे फिल करने को कहता है। काव्या फॉर्म फिल करके वापस प्रिंसिपल को देती है। फॉर्म देखते ही प्रिंसिपल गलती निकालते हुए कहता है, शायद अपन बच्चों के पिता का नाम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं मैं फिल कर देता हूँ, क्या नाम है आपके पति का। काव्या इस सवाल पर अपने बच्चों की तरफ देखती है और कुछ पल के लिए सोचती है कि अगर उसने आज अपने बच्चों के सामने झूठ बोल दिया तो ये जिंदगी भर के लिए होगा, और अगर उसने अपना स्टैंड लिया तो ये भी जीवन भर की सीख होगी इन बच्चों के लिए। काव्या थोड़ी देर सोचने के बाद अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं ही अपने बच्चों की इकलौती पेरेंट हूँ, मैं ही इन बच्चों की माँ हूँ और पिता भी। बच्चे माँ की तरफ देखते हैं, प्रिंसिपल भी काव्या की तरफ देखता है और कहता है कि आई नो आपके लिए बहुत हार्ड होगा कि आपके पति गुजर गए, आपको सिंगल पेरेंट की भूमिका निभानी पड़ रही है, माँ पिता दोनों की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी, तो प्लीज बताइए मुझे नाम क्या है लेट मिस्टर। काव्या समझ जाती है कि प्रिंसिपल ने उसकी बात को अलग तरीके से समझा है, इसलिए अब और क्लियर बताने की जरूरत है। काव्या प्रिंसिपल को बताती है, सर इनके पिता नहीं है, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं एक सिंगल मदर हूँ जो कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, यहाँ कोई पिता का नाम नहीं भरा जाएगा इनके एडमिशन फॉर्म पर, सिर्फ माँ का नाम होगा, और अगर आपको पिता का नाम डालना ही है तो वहां भी मेरा नाम ही लिख दीजिए, मिस एंड मिस्टर काव्या सरी। काव्या की बातें सुनकर प्रिंसिपल चौंक कर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है,
आज तक स्कूल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे ट्रस्ट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी और स्कूल में जाकर कराइए। काव्या आराम से अपनी बात प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सामने रखती है, लेकिन प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चों को दाखिला ना देने की अपनी बात से नहीं हिलता। बातों ही बातों में प्रिंसिपल के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो सीधे काव्या के दिल पे ठेस करती है। प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारा स्कूल ऐसे बच्चों का एडमिशन लेने लगेगा तो क्या गुडविल रह जाएगी समाज में इस ट्रस्ट की? जहाँ ऐसे बच्चों का एडमिशन होता है वहाँ इनका एडमिशन करवाइए प्लीज। अब जाइए आप यहाँ से। आरव और रेहान का मुंह उतर जाता है। उन्हें खुद से ज्यादा काव्या के लिए बुरा फील होता है। आरव कहता है, चलो मॉम, हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, आप चलो यहाँ से। काव्या एकदम शांत है। वो उसका नन्हा सा हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे। काव्या प्रिंसिपल की तरफ देखती है और कहती है, पूरी दुनिया खुद को सुधार रही है सर, इसलिए आपके देश के कानून ने भी अपने रूल्स में बदलाव किया है। अब अगर कोई औरत अपने बच्चे का एडमिशन बिना उसके पिता के नाम से करवाना चाहे तो करवा सकती है। वो अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती है और एक नंबर डायल करने की एक्टिंग करती है। फोन कान पर रख कर कहती है, हाय रश्मि, कोर्ट रूम से फ्री हो तो 2 मिनट बात कर सकते हैं? एक्चुअली मैं बच्चों का एडमिशन करवाने आई थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब मना कर रहे हैं। वैसे यहाँ ये कानून आ गया है ना कि सिंगल मदर चाहे तो सिर्फ खुद का नाम देकर अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकती है। अच्छा, हाँ हाँ, वही तो समझा रही हूँ मैं इनको। नहीं, मैंने अभी शौर्य को कॉल नहीं किया, वो न्यूज एंकरिंग कर रहा होगा ना, बस तुम्हारा फोन रखने के बाद उसी को कॉल करती हूँ। चल थैंक्स यार, ठीक है, कहकर वो अगला नंबर डायल करने की एक्टिंग करती है और प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि अगर इसने मीडिया को बताया तो उसके स्कूल के ट्रस्ट की गुडविल का क्या हाल होगा, मैनेजमेंट कमेटी के सामने वो क्या रीजन देगा, और हो सकता है उसकी प्रिंसिपल की नौकरी भी चली जाए। जॉब जाने की बात सोचकर प्रिंसिपल बौखला जाता है और कहता है, रुकिए मिस काव्या, मैंने कब कहा कि हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? आपके बच्चे तो हैं ही कितने क्यूट, उन्हें भला कैसे एडमिशन नहीं देंगे? और वो फॉर्म में कुछ लिखता है और पेपर्स काव्या की तरफ बढ़ाकर कहता है, यहाँ साइन कर दीजिए, आपके बच्चे कल से स्कूल आ सकते हैं। दोनों बच्चे खुशी में काव्या से लिपट जाते हैं। काव्या को अच्छा लगता है और वो साइन करके खुशी खुशी प्रिंसिपल को थैंक यू बोलकर बच्चों के साथ निकल जाती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में बच्चों को पिज्जा खिलाने के लिए रुकती है। खाने पीने के बाद काव्या बच्चों को इंतजार करने के लिए कहती है और बिल पेमेंट करने काउंटर की तरफ जाती है। रेहान और आरव मस्ती करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। अचानक रेहान की नजर सड़क के किनारे पर लगी एक मैगजीन स्टॉल पर जाती है, जिसमें एक मैगजीन के कवर पर वो करण की फोटो देखता है। आरव देख, उस आदमी का फोटो जो सुबह हमारी कार से टकराया था। आरव कहता है, हाँ ये तो वही है, सेम टू सेम। तब रेहान उसके कान में कुछ कहता है। आरव दुकानदार के पास जाकर उसे कॉमिक बुक के बारे में पूछता है। दुकानदार आरव की बातों में बिजी है, तभी रेहान चुपके से करण के कवर वाली मैगजीन उठा लेता है और अपनी जैकेट में छुपा लेता है। काव्या रेस्टोरेंट से बाहर आती है और दोनों को डांटती है कि उसने उन्हें अंदर ही वेट करने के लिए कहा था। दोनों एक साथ कहते हैं, सॉरी मामा। घर जाते हुए कार की सीट पर बैठे हुए रेहान आरव को मैगजीन दिखाता है जिस पर करण की तस्वीर छपी है, और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। दोनों के दिमाग में एक नया प्लान आने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। सुबह सुबह काव्या खुद में खोई हुई कॉफी बना रही है। काव्या के दिमाग से अब भी करण का ख्याल निकलता नहीं लग रहा। अर्जुन के गुड मॉर्निंग कहने पर उसका ध्यान टूटता है। अर्जुन कहता है, मेरी भी कॉफी बनाई है ना? ऑफ कोर्स बनाई है, ये लो। न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए अर्जुन पूछता है, क्या बात है काव्या, बच्चों का एडमिशन भी हो गया
अब किस बात से परेशान हो? इसी बीच नींद से जागकर आंखें मसलते हुए रेहान बाहर आता है। अर्जुन और काव्या के बीच सीरियस डिस्कशन होते देख वो वहीं रुक जाता है। काव्या अर्जुन से कहती है, I'm sorry, अर्जुन। अर्जुन उसे आश्चर्य से देखता है, सॉरी किस लिए? काव्या कहती है, तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट टूट गई है, कल करण वालिया से हमारी कार टकरा गई थी। अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, असली प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। काव्या को पता था अर्जुन से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। काव्या ने कहा, ऑक्शन में करण वालिया ही था जो मेरे और आन्या के बीच आया था। उसके टच ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है उसका चेहरा। उसका चेहरा मेरे बच्चों से हूबहू मिलता है, उसकी नाक एकदम आरव जैसी है, और स्माइल, स्माइल तो रेहान की सेम कॉपी। अर्जुन कहता है, ना परेशान मत हो काव्या, ये महज सहयोग भी तो हो सकता है, फिलहाल खुद पर और अपने बच्चों के फ्यूचर पर फोकस करो। तभी काव्या की नजर रेहान पर जाती है। अरे रेहान बेटा, तुम कब उठे? रेहान एकदम नॉर्मल बिहेव करता हुआ काव्या की गोद में आकर बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग अर्जुन अंकल, मैं तो अभी अभी उठा, वो मासूमियत से कहता है। तभी काव्या के मोबाइल पर जानवी का कॉल आता है। जानवी एक बड़े इंटरनेशनल सलून में जॉब करती है, जहाँ शहर के बड़े बड़े अमीर ग्लैमरस पर्सनालिटी वाले लोग, हीरो हीरोइन, टॉप मॉडल्स और कई पहुंचे हुए रईस लोग आते हैं। जानवी काव्या को बताती है कि उसने अपने सलून में काव्या की जॉब की बात कर ली है। अब इसकी जॉब श्योर है, लेकिन काव्या को अभी तुरंत सलून आना पड़ेगा। अगर बात बन गई तो आज से ही ज्वाइन करना पड़ सकता है। जानवी काव्या को फौरन बिना देर किए सलून पर आने के लिए कहती है। काव्या फोन रखती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन आज बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना होगा, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अर्जुन कहता है, जरूर, आज मैं घर पर ही हूँ, तुम जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। काव्या रेहान से कहती है, बेटा अर्जुन अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना, और वो हाँ में सर हिलाता है। कहते हैं मुंबई शहर सपनों का शहर है, यहाँ इंसान अपने सपने लेकर आता है और उन्हें साकार करते हुए देखता है। जो इंसान अपना वक्त, अपने हालात बदलना चाहता है, उसे खुद ही कदम उठाने पड़ते हैं। जिंदगी में हार मान लेने के बजाय कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। काव्या के कानों में उसकी माँ की कही बातें गूंज रही थी। लाइफ में आगे कहाँ पहुंचना है, क्या क्या करना है, यहाँ तक कि मंजिल क्या होगी शायद अभी ना पता हो, लेकिन काव्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदगी में इस जॉब के साथ एक कदम आगे ही बढ़ा रही है। काव्या सलून पहुंचती है। जानवी 7 साल बाद अपनी दोस्त को देखकर झूम जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जानवी कहती है कि काव्या, कॉलेज के दिनों में तुमने जो मेरी मदद की थी उसमें कभी भी भुला नहीं सकती, मैं तुम्हारे किसी काम आ पा रही हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए दोनों अतीत के पन्नों में खो जाते हैं कि कैसे जानवी के डैड के गुजर जाने के बाद एक अच्छे दोस्त की तरह काव्या ने जानवी की कॉलेज फीस और उसकी जरूरतों का ख्याल रखा था। थोड़ी देर इनकी बातचीत होने के बाद अंदर कैबिन से मिस वर्गीज निकलती हैं। जानवी तुरंत उनके पास जाती है और काव्या को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये काव्या है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही टैलेंटेड है, आई थिंक इसके अपने सलून में आने से आपको प्राउड होगा, ये अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। जानवी से काव्या की कई तारीफें सुनने के बाद मिस वर्गीज काव्या को नीचे से ऊपर तक देखती है, और मिस वर्गीज को काव्या का स्टाइलिंग आउटफिट काफी पसंद आता है। काव्या की हेयर स्टाइल, काव्या की प्रेजेंस, सब कुछ मिस वर्गीज को अट्रैक्ट करता है, और वो कहती हैं कि जानवी इस सलून की सबसे काबिल और डेडिकेटेड मेंबर है, अगर ये कह रही है दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर आवर सलून, सो इट्स ओके फॉर मी, मैं जानवी की बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। जानवी खुशी में थैंक यू मैम कहती है
काव्या भी थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी मैम। यू बेटर नॉट। कहते हुए मिस वर्गीज अपने एक हाई क्लास क्लाइंट के वेलकम के लिए चली जाती हैं। ये हाई क्लास क्लाइंट एक सीनियर लेडी हैं, जो एक जमाने में बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन थी। वर्गीज सीनियर एक्ट्रेस मिस सिन्हा का वेलकम करती हैं और एक टेस्ट लेने की नीयत से काव्या को मिस सिन्हा से मिलवाती हैं और कहती हैं कि आज ये मेकओवर के लिए अवेलेबल है मैम, अगर आप अग्री हो तो। मिस सिन्हा काव्या से मिलती हैं। काव्या का बिहेवियर और बातें करने का अंदाज इन्हें पसंद आता है और वो काव्या से अपना मेकओवर कराने के लिए हाँ बोल देती है। अनाया और करण इसी मॉल में अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मॉल में घूम रहे हैं। वहाँ कुछ लोग उन्हें हाथ हिलाकर ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा। यही खूबसूरती है मुंबई शहर के लोगों की। सेलिब्रिटीज को अपने आसपास देखना उनके लिए बहुत आम बात है। कुछ टीनेजर्स उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें करीब आने का मौका नहीं दे रहे। वो दूर से ही उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। अचानक अनाया की नजर सलों में काम कर रही काव्या पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। वो सोचती है ये यहाँ इतने बड़े इंटरनेशनल सलों में मेकअप करवाने आई है। करण चार कदम आगे निकल जाता है और मुड़कर अनाया से कहता है कि क्या हुआ, चलें? आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अनाया फेक स्माइल देते हुए करण से कहती है एक मिनट में आई लव। करण कहता है कि ओके, पार्किंग में मिलो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। जाते हुए करण काव्या को देखता है और थोड़ी देर तक देखता रह जाता है और याद करता है कि शायद ये वही लड़की है जो एक्सीडेंट के वक्त मिली थी। सोचता है कि शायद इस लड़की ने उस दिन हुए नुकसान के पैसे नहीं लिए। अचानक से कॉल आता है तो जैसे करण का हिप्नोटिज्म टूटता है और फोन पर बात करते हुए करण पार्किंग की तरफ चल देता है। अनाया साइड में जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और एक्साइटमेंट में बताती है, माँ काव्या दिख रही है मुझे टी मॉल के सुपर सलों में। अशुला हाथ में आया मौका नहीं खोना चाहती। वो अनाया को काव्या के बारे में पता करने के लिए कहती है। अनाया ओके बोलती है। मिस सिन्हा काव्या से काफी इम्प्रेस हैं और काव्या जब मिस सिन्हा की सुंदरता की तारीफ करती है तो मिस सिन्हा भी काव्या से कहती हैं, तुम भी बहुत खूबसूरत हो काव्या, यू कैरी योर इमोशन ऑन योर फेस, तुम इतनी दिल की साफ हो कि अपनी भावना अपने चेहरे पर ले चलती हो, सो तुम भी ट्राई करो परफॉर्मिंग आर्ट में, आई थिंक तुम हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई हो। जाते हुए मिस सिन्हा मिस वर्गीज के सामने काव्या की काफी बढ़ाई करती हैं और काव्या का नंबर लेती हैं। वर्गीज से ये कहते हुए कि वर्गीज आज से मुझे कुछ भी करवाना हुआ अपने फेस का तो आई नीड दिस यंग लेडी। मिस वर्गीज मुस्कुरा कर हाँ बोलती हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। वर्गीज काव्या के पास आती है और स्माइल के साथ कहती है, वेलकम टू आवर फैमिली काव्या, कल आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा। काव्या खुशी में थैंक यू सो मच कहती हुई बगल में खड़ी जानवी के गले लग जाती है। मिस वर्गीज हल्का शरारती गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं, गर्ल्स मुझे भी गिव मी अ हग। सलों के शीशों की दीवार के बाहर खड़ी अनाया ये सब देखकर सोच में है कि आखिर ये काव्या इतनी खुश क्यों है। अनाया को लगता है कि शायद काव्या ने इस सलों को खरीद लिया है और मन ही मन ये डिसाइड करती है कि अगर काव्या ने ये सलों खरीद लिया होगा तो वो दुगने दाम पे इसे दोबारा खरीदेगी। लेकिन किसी भी हाल में काव्या को कोई खुशी मिलती है तो वो मिलने नहीं देगी। अनाया के चेहरे पे इतनी नफरत देखकर अंदाजा लग सकता था कि काव्या को चोट पहुंचाने के लिए अनाया किस हद तक जा सकती है। अनाया अपने बॉडीगार्ड से खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहती है और वो कांच की दीवार के पीछे काव्या को देखते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही है। एक सेल्स गर्ल अचानक से अनाया को चौंका देती है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं डीएच हाउसिंग फाइनेंस से हूँ, आप क्या नया घर लेने की सोच रही हैं? अनाया खुद को एक पिलर के पीछे छिपाते हुए सेल्स गर्ल को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? लड़की उसे कुछ सेकंड्स के लिए गौर से देखती है और कहती है,
आप तो अनाया सरीन हो। मैम मैम एक सेल्फी प्लीज। अनाया कहती है, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अंदर उस लड़की को देख रही हो? वो काव्या की तरफ इशारा करती है। लड़की हाँ में गर्दन हिलाती है। अनाया कहती है, वो मेरी फ्रेंड है और आज उसका बर्थडे है, तो उसे सरप्राइज देना है। तुम ये पता करके आओ कि वो वहाँ क्या कर रही है। लड़की खुशी से अनाया जैसी सेलिब्रिटी का काम करने को तैयार हो जाती है। यहाँ अनाया के मोबाइल पर करण का नाम फ्लैश होता है। कॉल उठाते ही अनाया स्पीड से अपनी सफाई देना शुरू करती है। चानू बस 5 मिनट में आ रही हूँ। ओनली 5 मिनट्स। एक ड्रेस की साइज फिटिंग करवा रही हूँ, आप समझ रहे हो ना। करण काफी ठंडे अंदाज में कहता है कि मैं समझता हूँ, दैट्स व्हाई मैंने दूसरी कार का अरेंजमेंट कर लिया है। तुम आराम से जब फ्री हो जाओ तो ड्राइवर को कॉल कर लेना, मैंने उसका नंबर तुम्हें मैसेज कर दिया है। टेक योर टाइम बेबी, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है, समझ रही हो ना। अनाया का मुंह बन जाता है। चिढ़े से खियाए हुए अंदाज में वो हाँ कहती है। करण कॉल कट करता है और कहता है, अनाया गुस्से में अपने बाल नोचती है और अपनी हील पटकती है। सेल्स गर्ल आकर बताती है कि वो लड़की काव्या सलों में काम करती है मैम, और उसने आज ही ज्वाइन किया है। अनाया को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। कल कहां काव्या उसके साथ करोड़ों की नीलामी खेल रही थी और कहां आज ये 2 कौड़ी की नौकरी ज्वाइन कर रही है। अनाया कंफर्म करते हुए एक बार फिर सेल्स गर्ल से पूछती है कि क्या कहा तुमने, वो लड़की नौकरी करती है वहाँ। सेल्स गर्ल अपनी बात दोहराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, यस मैम। ये सुनकर अनाया की हंसी छूट जाती है और मन ही मन खुश होकर सोचती है कि काव्या ऐसी जिंदगी जी रही है कि उसे खुद का खर्च चलाने के लिए सलून में काम करना पड़ रहा है, लोगों के नेल साफ करने का काम कर रही है वो। अनाया अंदर से खुश होती है कि अब तो वो काव्या को खुद के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देगी और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देगी। अनाया के दिमाग में शैतानी प्लान्स आने लगते हैं। काव्या को रोता तड़पता हुआ देखने के लिए उसके मन में ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। अनाया तुरंत अपना फोन निकालती है और माँ को कॉल करती है। हेलो मॉम, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। अशुला घबरा कर पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, बस एक प्लानिंग थी, वो आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। माँ आपको आना ही होगा, जल्दी आइए, मैं टी पॉइंट पर आपका वेट कर रही हूँ। अनाया ने कहकर फोन रख दिया। सलों में काव्या और जानवी अपने कॉलेज के दिनों की बातें कर रही हैं। काव्या खुद के बारे में सोचते हुए खो ही जाती है। जानवी काव्या का हाथ दबाते हुए कहती है, ओ मैडम क्या हो गया, कहाँ खो गई आप। इनकी बातें चल रही होती हैं कि काव्या की नजर सलों के शीशे की दीवार के बाहर रिहान और आरफ पर पड़ती है। काव्या चौंक कर खड़ी हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बच्चे यहाँ कैसे आ सकते हैं। दूसरी तरफ बच्चे अपनी माँ को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। काव्या दोनों को गले लगाती है और पूछती है कि वो दोनों यहाँ कैसे आए। रेहान बताता है, मम्मा आरफ गेम खेलने की जिद कर रहा था इसलिए अर्जुन अंकल ले आए हम दोनों को। जानवी बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। वाओ कितने क्यूट बच्चे हैं। काव्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। काव्या के मोबाइल पर अर्जुन का कॉल आता है। फोन उठाते ही काव्या कहती है, अर्जुन ये क्या है, आज मेरा फर्स्ट डे है जॉब पे और बच्चे साथ में हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा मेरा, ये ठीक नहीं है। अर्जुन कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन अचानक मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, बस 1 घंटे के लिए, मैं वापस आकर बच्चों को ले जाऊंगा, तब तक प्लीज। अर्जुन को मीटिंग में जाना था और बच्चों को अकेला घर पर छोड़ना उसे ठीक नहीं समझा, इसलिए यहाँ लेकर आ गया। अर्जुन फोन पर ही काव्या से खुद को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए कहता है और कहता है, यहाँ देखो। काव्या देखती है तो दूर खड़ा अर्जुन बाय करता हुआ अपनी मीटिंग के लिए निकलता है। अनाया और उसकी माँ ग्रीन टी पीते हुए बात कर रहे हैं। अनाया माँ से काव्या की हालत बताकर खुश है। वो दोनों बॉडीगार्ड से घिरी हुई बैठी हैं। आते जाते लोग उन्हें देख रहे हैं लेकिन वो दोनों अपनी बातों में मशरूफ हैं। माँ भी काव्या सलों में नौकरी करती है जानकर खुश होती है और उसका मजा लेती है कि
बहुत बनती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी। अब जब रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना पड़ेगा तब समझ में आएगा इसको। गरीबों जैसी हालत में तिल तिल के मरते देखना चाहती हूँ मैं काव्या को। अनाया माँ से कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ मामी, और मेरे पास एक प्लान है। माँ के चेहरे पर सवाल आते हैं कि क्या प्लान है। अनाया बस ये कहती है कि मैं उसे आपके सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दूंगी। आज उसके जवाब से सिर्फ माफी निकलेगी आपके लिए। माँ और खुश होती है और कहती है कि जल्दी बता क्या प्लान है। अनाया कहती है कि आपको सैंडल पाउडर से एलर्जी है ना। माँ कहती है, हाँ है, लेकिन तू वो सब छोड़, बता प्लान क्या है। अनाया माँ को अपने और करीब लाने के लिए कहती है। जैसे ही वो पास आती है उनके कानों में अनाया कुछ ऐसा प्लान बताती है जिसे सुनकर माँ की खुशी दोगुनी हो जाती है और कहती है, चलो अब मुझे वेट नहीं हो रहा है। अनाया और माँ धीरे धीरे अपने शैतानी इरादों के साथ सलों की तरफ बढ़ते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए